हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब देख रहे हैं इरफान कंप्यूटर सेंटर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे मैंने एमएस पेंट ओपन कर लिया और आज क्लिपबोर्ड और इमेज मेन्यू वाला ऑप्शन करेंगे कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये सारे ऑप्शन मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखो, इस पर पेस्ट वाले ऑप्शन हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट फ्रॉम और सब ऑप्शन आते हैं। इससे पहले कुछ मैं ड्राइंग कर देता हूँ। सबसे पहले मैं सेलेक्ट वाले पर जाता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद होता है क्या हमारा यहाँ पर कि कट का ऑप्शन आता है। अगर कट का ऑप्शन जैसे यहाँ पे कंट्रोल सी कर लो या कट का बटन दबा दो तो यहाँ पे कट होता जाएगा और पेस्ट फ्रॉम करोगे, पेस्ट पे एक एक क्लिक करोगे और पेस्ट यहाँ पर होता जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो तो एक एक पेस्ट हमारा होते हुए आ रहा है। यहाँ पे जितने पेस्ट फ्रॉम करोगे तो पेस्ट पे करोगे तो एक एक पिक्चर आएगा, लेकिन पेस्ट फ्रॉम पर अगर कोई पिक्चर हमारे को सिलेक्ट करके लेनी हो तो इस प्रकार से पिक्चर ले सकते हैं। देख सकते हो तो अगर पेस्ट फ्रॉम जैसे करोगे, एक एक और पेस्ट फ्रॉम करोगे तो एक एक और पिक्चर आती रहेगी हमारे पे। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे एक मैंने साइड कर लिया और एक और पेस्ट फ्रॉम करा और एक और आ गया। पेस्ट पेस्ट करते जाएंगे और एक एक पिक्चर हम यहाँ पे लेते जाएंगे। मैंने यहाँ पे टोटल 3 पिक्चर ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट करके मैंने 3 पिक्चर ले लिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। जैसे अगर कॉपी करना हो तो जो हमारे को होता है कॉपी में वाले भी ऑप्शन होता है, सेलेक्ट वाले पर जाएंगे और कट वाले ऑप्शन पर। इससे क्या होता है कि हम जितना सेलेक्ट करना चाहें हम ये सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले को सेलेक्ट करना चाहें खाली इसी को सेलेक्ट करके हम साइड हटा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है दूसरे वाले ऑप्शन में, पेस्ट वाले में, कि जितना हमारे को अगर कोई नाम उम है खाली उसी को सेलेक्ट करना है तो पेंसिल के निशान एक बनेगा और ऐसे हम सिर्फ नाम उसका सेलेक्ट करके साइड में हटा लेंगे। देख सकते हो यहाँ पे खाली हमने नाम सेलेक्ट कर दिया और उसको साइड में हटा दिया। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा यहाँ पर आ गया, नाम दिख भी नहीं रहा। वो छोटे में ही थोड़ा बहुत दिख रहा था लेकिन ऐसे में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भी कॉपी कर सकते हैं। अगले वाले ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, मैं बीच में से कुछ सेलेक्ट करके इसको काट देता हूँ। तो बीच में से भी सेलेक्ट करके हम काट सकते हैं, कुछ भी चीज़ हम काट सकते हैं। अगर किस प्रकार की कोई डिज़ाइन या ड्राइंग बनाना चाहे तो एमएस पेंट में हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट पे करा और ये सारे सेलेक्ट हो गए। अब इसमें क्या होता है कि ये देख सकते हो इस वाले ऑप्शन में होता है डिलीट वाले में। डिलीट में क्या होता है, डिलीट पर अगर जैसे क्लिक करेंगे जो भी चीज़ होगा सारा सेलेक्ट होगा उसको हम डिलीट कर देंगे या थोड़ा सा सेलेक्ट करके हम सारे को डिलीट कर सकते हैं। अब आ जाता है ये वाला सेफ वाला ऑप्शन। तो सेफ वाले में ऑप्शन में हम सेफ ले लेंगे और सेफ वाले में हम सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो तो कलर फिल कर देते हैं। हमने सेफ कलर टूल ले लिया और इसके बाद सेफ ले लिया और इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे देख सकते हो ये हम आजू बाजू कहीं भी उठा के रख सकते हैं। अब इसमें भी आपको कट करके दिखाएंगे। जैसे हम ट्रांसपेरेंट ऑन कर दिया तो पीछे का वो जो सफ़ेद सफ़ेद नहीं आएगा। अब इसको हम कट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जितना हमारे को चाहिए, तो इतना सेलेक्ट करके हमने साइड में रख लिया और यहाँ पर देख सकते हो ये कट गया हमारा। इतना सेलेक्ट करके हम वापसी कट करते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट ऑन नहीं करेंगे ना तो यहाँ पर देख सकते हो ये कटेगा, मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास आता रहेगा तो इसलिए दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको इसको क्रॉप कर दिया। हमने इसको फिर से वैसा ही बनाते हैं जैसा था हमारे पास। वापसी हमारा उसी प्रकार से हो गया जैसे हमने पहले का रखा था। तो हम क्रॉप वाले ऑप्शन पे होता है क्या, क्रॉप में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन नीचे वाले ऑप्शन पे ये हमारे को साइज़ देना है, पोर्टिकल में रखना है या ओरिजेंटल में रखना है, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे देख सकते हो साइज़ के वाले साइज़ वाले ऑप्शन है। इसमें रोटेट करने में होता है कि 90 डिग्री में रखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आए, फुल वीडियो वॉच किया आपने। तो इससे पहले भी एमएस पेंट की मैंने वीडियो बना रखी है, इससे पहले वाली वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पर भी लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पर जा सकते देख सकते हो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो पहली बार देख रहे हो।